पेट संबंधी सभी रोगों के लिए जबलपुर के सुप्रसिद्ध पेट एवं मोटापा रोग विशेषज्ञ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर के वर्मा प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को दमोह में मिलेंगे। समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। मिलने का पता महाकौशल मेडिकल स्टोर्स, 3 गुल्ली चौराहा, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। पूरे प्रदेश में उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी प्रारंभ हो गई है। दमोह जिले में भी गेहूं खरीदी प्रारंभ हुई है, जहां पर प्रशासन के द्वारा 48 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 3 साइलो केंद्र के माध्यम से भी किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। इन साइलो केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नवागत कलेक्टर मयंक अग्रवाल भी इस पर निगरानी कर रहे हैं। जिले में बनाए गए 3 साइलो केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को लेकर पहुंच रहे हैं। साइलो केंद्र पर और क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में नवागत कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने हमें विस्तार से जानकारी दी। देखिए, पूरे दमोह जिले में गेहूं उपार्जन चल रहा है, 48 केंद्र हैं और जिसमें से 3 साइलो केंद्रों पर भी खरीदी की जा रही है। अमूमन किसानों में उत्सुकता साइलो केंद्र पर ज़्यादा देखी जा रही है। गोडाउंस पे अभी गेहूं नहीं आया है और साइलो केंद्र पे क्योंकि तुलावट तुरंत होकर तुरंत जमा हो जाता है और राशि भी तुरंत आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की झंझट नहीं रहती, इसीलिए किसान भी उधर देना पसंद कर रहे हैं। अभी जो 3 साइलो का निरीक्षण कराया गया है SDM और फूड विभाग के माध्यम से, वहाँ पर लाइनें जरूर लंबी लगी हैं मगर व्यवस्थित हैं और हम इसको जो लाइनें ना लगने पड़े इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा स्लॉट इसको घटा दें जिससे आराम से हो जाए। मैं आपके माध्यम से किसानों से यही अपील करूंगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और अभी काफ़ी लंबा सेशन रहेगा इसमें, जिसमें उपार्जन चलेगा और जितने भी किसान इंटरेस्टेड रहेंगे हम सारा उपार्जन करेंगे।